गाइस, जिस वीडियो को हम लोग ने अपलोड किया था और टाइटल डाली थी उसी को फिर से खोलेंगे और उसको खोल के सब टाइटल के अंदर उसको खोल के फिर उसमें जाएंगे और एडिट में देखेंगे ये जो आपका बना हुआ है इसको हम लोग जो सब टाइटल बनी हुई है उसको हम लोग डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड SVG फॉर्म में डाउनलोड करना पड़ेगा। अब ये देखिए टाइम स्टैम्प के साथ ये SVG फॉर्म में आपका जितना भी टाइटल आपने किया है वो आ जाएगा। उस टाइटल को हम लोग देख लेंगे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है तो उसको उस हिसाब से ठीक कर लेंगे। जैसे यहाँ कैप्शन फाइल इन CSV एंड हम यहाँ पे ठीक कर लेंगे CSV और कर दें बल्कि CSV और UTF-8 फॉर्म में हम लोग फाइल को अपलोड करेंगे, डाउनलोड करके फिर अपलोड करेंगे सही करके। तो डाउनलोड हम लोग ने SVG फाइल किया है कैप्शन की, तो ये हमारी फाइल में जो भी चेंज होगा उसको हम पहले ठीक करके फिर इसको सेव कर देंगे। तो अब इसमें ये देखिए आपका इंग्लिश में सेव हो गया। यहाँ अगर डेस्कटॉप में कर लेते हैं इसको करा एडिटेड CC और किस फॉर्म में करेंगे या उसी नाम से करें नहीं बाद में वो प्रॉब्लम ना करे। फाइल सेव एज कैप्शन फॉर SVG, यहाँ पर टेक्स्ट की जगह पे आपको ऑल कर देना नहीं तो वो टेक्स्ट आगे जुड़ जाएगा और यहाँ पर UTF-8 करना है उसके बाद इसको सेव कर देना है। तो सेव करने से पहले अब हमने इसको यहाँ पर डेस्कटॉप कर दें, डेस्कटॉप कर दिया तो फाइल दूसरी जगह सेव हो जाएगी तो हमें लोकेट करने में इजी रहेगा। इसको सेव कर दिया। अभी आपने ये देखा कि हमने हिंदी में भी कर रखा है तो इसको यहाँ पे जा करके जब हम डाउनलोड करेंगे तो आपका SVG फाइल जो आएगा वो हिंदी में आएगा। ये देखिए कि आप जानते हैं कि एक से अधिक भाषा को कैप्शन में लिया जा सकता है जिसे मैंने लागू किया है, लेकिन आपको वीडियो पे CC विकल्प में चयन करना होगा। जाके वहाँ पे CC पे आपको चेंज करना पड़ेगा कि आप कैप्शन हिंदी में देखना चाहते हैं कि इंग्लिश में देखना चाहते हैं। फिर जो जो आपका है इसमें देख करके आप अपने हिसाब से ठीक कर लीजिएगा। हमको हिंदी में उतना टाइपिंग नहीं आती, देखिए इसमें ठीक किया हुआ है तो ये इस तरह से आप इसको ठीक करके इसको भी सेव कर लीजिए। अब इसको भी हम सेव करते हैं। इसको नहीं भी सेव करिएगा तो जब ऊपर फिर से अपलोड करिएगा तो वो फाइल जो है फाइल सेव कर देंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी। अब हम जो फाइल अपडेट कराया हमने उसको फिर से अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आते हैं और ये देखिए अनपब्लिश है, रीनेम है, डिलीट है। अब इस फाइल को कहाँ से अपलोड करेंगे हम लोग, यहाँ से फिर जाइए वापस यहाँ पे सब टाइटल पे आइए और इसको खोलिए एडिट मोड में। इसको कंटेंट पे जाइए, एडिट मोड में खोलिए और नीचे जहाँ पे सब टाइटल आता है वहाँ जाकर शो मोर और लेस आ रहा है लैंग्वेज ये आया सब टाइटल, गो टू सब टाइटल यहीं पे आ रहा है। तो एडिट में जाएंगे, ठीक है यहाँ से जाएंगे एडिट में, ये हिंदी वाला आ रहा है पहले हमको इंग्लिश वाला लेना है तो यहाँ एडिट में जाएंगे और यहाँ पे एडिट एज टेक्स्ट करेंगे।
कैप्शन करेंगे, एडिट एज टेक्स्ट करेंगे। एडिट एज टेक्स्ट करेंगे तो आप यहाँ पे भी ठीक कर सकते हैं और फाइल को अपलोड भी कर सकते हैं, अपलोड फाइल। अब यहाँ से विद टाइमिंग अपलोड कर लेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब फाइल मांगेगा तो हमने डेस्कटॉप पे सेव की थी तो वहाँ जाएंगे डेस्कटॉप पे, यहाँ पर कैप्शन लिखेंगे, ये फोर्थ वाली फाइल थी, ओपन कर देंगे। अब ये विद टाइमिंग देखिए अपने आप आ गया। अब इसको आप सेव कर दीजिए, सेव ड्राफ्ट, और पब्लिश कर दीजिए। तो इस तरह से आप टाइटल वाली फाइल को इसमें डाल सकते हैं। तो हमने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया कि कैसे पूरे फाइल में आपको एडिट करना है और किस तरह से वीडियो में बनेगा। अब यहाँ क्योंकि हमने इंग्लिश वाला एडिट किया है तो हिंदी वाले में जाएंगे और यहाँ पे देखिए आपका आएगा क्लियर सबटाइटल करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे कैप्शन पे और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे क्लियर हो गई है ये। अब यहाँ से नीचे वाली फाइल जो हम लोग ने ली थी वो अपलोड करेंगे, यहाँ पे कैप्शन करेंगे। अब वो कैप्शन फाइल जो थी वो डाउनलोड ही में थी तो हम लोग को डाउनलोड में जाना पड़ेगा और वहाँ से नहीं हो पाएगा तो आप हिंदी में अगर टाइपिंग नहीं जानते हैं डाउनलोड में गए, यहाँ पे कैप्शन करिए, ये देखिए ये वाली फाइल थी ना, अब इसको अपलोड कर देंगे। अपलोड फाइल, कंटिन्यू, डाउनलोड में कैप्शन, ये हमने लास्ट वाली की थी, ओपन करा, शायद ठीक से सेव नहीं हुई थी तो इसको वापस जाते हैं, डिस्कार्ड चेंजेस कर देते हैं क्योंकि हम लोगों को फाइल का, यहाँ पे पब्लिश में आएंगे, यहाँ पे ये देखिए ये है ना पब्लिश, और यहाँ पर एडिट में जाएंगे, ये देखिए आपकी फाइल पूरी एडिट हो जाएगी हिंदी में। तो इस तरह से हम कैप्शन को दोबारा भी डाल सकते हैं। यहाँ से इसको पब्लिश कर दीजिए और अब जब आप वीडियो रन करिए तो दोनों लैंग्वेजेस में आप कैप्शन को देख सकते हैं। यहाँ पे ये भी देख लीजिए आप, हम लोग ने जो अपडेट किया है वो ये हिंदी वाला है तो इंग्लिश में भी हिंदी आ गया, तो हिंदी वाला खोला था, इंग्लिश वाले में क्या आया देखिए ये आ गया, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, जब दोनों में ये आ गया तो अब हम जाते हैं इसको रन करते हैं, इस फाइल को रन किया। क्या आप जानते हैं कि कैप्शन में एक से ज्यादा लैंग्वेजेस को डाला जा सकता है? साइक्लोन ताकते इंग्लिश फाइल है। यहाँ पर जाकर के आप सेटिंग में जाकर के ये देखिए इंग्लिश आ रहा है ना, इसको आप हिंदी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑटो ट्रांसलेट का भी देख सकते हैं, ऑटो ट्रांसलेट जिस लैंग्वेज में कर दीजिएगा उस लैंग्वेज में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बंगला कर दिया, ये देखिए बंगला में आ गया। तो इस तरह से एक लैंग्वेज इंग्लिश बस डाल दीजिए क्योंकि वो सब आप जानते हैं कि इंग्लिश में ज्यादातर लोग काम करते हैं और वो एक्सेप्ट की जाती है। यहाँ पे हिंदी कर दिया तो ये हिंदी में आ जाएगा। अभी जिस लैंग्वेज में आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा उस लैंग्वेज में आने लगेगा। और यहाँ से आप देखिए फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट कलर व्हाइट है
फॉन्ट साइज 100% दे रहा है तो उसको आप छोटा भी कर सकते हैं। ये देखिए छोटा हो गया, तो 50% कर देंगे तो और छोटा, लेकिन उससे दिखेगा हम 75% का भी देख सकते हैं। यहाँ से इस तरह से आप सब कर सकते हैं। यहाँ पर आप और किसी लैंग्वेज में करना चाहते हो तो आप फिर यहाँ से ऑप्शन में ऑटो ट्रांसलेट में सब टाइटल में जाकर यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अपलोड करें और उसको चेक तो ट्रांसलेट किया आपने अमेरिकन अरेबिक, अरेबिक ले लीजिएगा तो चलिए इसके देखिए अरेबिक से करते हैं। तो एक लैंग्वेज इंग्लिश बस कर लीजिए, उसके बाद आपको बन गया। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर्स, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी दिस न्यू वीडियो इन विच आई एम uploading and downloading the CC, and it is very easy if you type it into the title file and upload as I am teaching here. So auto translate नीचे देखिए सारी language दी हुई है आपको, कोरिया में, मलयालम में, ये देखिए आपको साउथ इंडिया में अगर अपना भेजना है तो यहाँ से आप जा करके इसको ऑटो ट्रांसलेट करके यहाँ से इसको मलयालम में भी कर सकते हैं, चाइनीज़ में कर सकते हैं, फ्रेंच में कर सकते हैं। अब फ्रेंच लोग भी देखते हैं अगर आपका, तो ये फ्रेंच में हो जाएगा। ये देखिए तो इस तरह से हम अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचा पाएंगे और हमारा वीडियो ज़्यादा लोग देख पाएंगे। सो थैंक यू व्यूअर, दिस इज ऑल टुडे द पार्ट ऑफ द वीडियो विच आई अपलोडेड यस्टरडे, आई फिनिश टुडे एंड प्लीज सी दिस वीडियो एंड डू योर वीडियो मोर पावरफुल बाय यूजिंग दिस सीसी। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माई ऑल चैनल्स and please subscribe my all my social channels and follow my telegram link which I have given in my description. Thank you.